तो भाई बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू भाई। 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत स्पेशल डे है ये हम सबके लिए, तो भाई सेलिब्रेट करो। ट्राई टू ग्रो इन योर लाइफ, ट्राई टू डू थिंग्स दैट यू लव एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेसिंग यू। एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ईयर अहेड और भाई आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए इसके बाद। बट विद दैट सेड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो भाई इस बार की लंदन डर्बी बहुत टाइम तक याद रखी जाएगी बिकॉज इट वॉज सच एन इनक्रेडिबल गेम। 2-2 की स्कोर लाइन, 96th मिनट लास्ट गैस्प विनर और भाई द फाइट्स ऑन द साइड ऑफ द पिच, बहुत इंटरेस्टिंग लंदन डर्बी थी एंड आई थिंक इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट लंदन डर्बी जो मैंने देखी है पिछले कुछ साल में। टू टीम्स वर कैंसलिंग ईच अदर आउट, एक कंप्लीटली पोजिशन बेस्ड फुटबॉल, एक कंप्लीटली प्रेसिंग बेस्ड फुटबॉल, काउंटर अटैक विद प्रेसिंग, बहुत प्यारा गेम था यहाँ पर। एंड भाई इसी गेम को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। द फर्स्ट गेम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चेल्सी वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर एंड इस गेम के बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रियल मैड्रिड का गेम जो अल्मेरिया के सामने था, जिसमें मैड्रिड ने वापस से अपना पिछले सीजन वाली आइडेंटिटी, कार्लो एंचेलोटी वाली कमबैक आइडेंटिटी फॉलो की, फिर से भाई ये कमबैक किया वेर इट वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड। 29 शॉट्स लिए थे बट एनीवेज पहले बात करते हैं टॉटनहम वर्सेस चेल्सी गेम की। तो भाई स्पर्स वर एक्चुअली विथ अ वेरी गुड गेम प्लान, दे केम विद द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेशन 3-4-3 के साथ स्पर्स उतरी थी भाई। ये स्टार्टिंग लाइनअप थी स्पर्स की अवे फ्रॉम होम, आज तक सिर्फ एक गेम उनने जीता है स्टैमफर्ड ब्रिज पे प्रीमियर लीग में, तो इट हैड ह्यूज स्टेक्स फॉर एंटोनियो कॉन्टे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टुकेल की, तो टुकेल वॉन्ट्स टू विन एवरी गेम एंड खासकर जब वो एक लंदन डर्बी होगी ही वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू विन दैट गेम एंड यही यहां पर भी हो रहा था। टुकेल put his team to win, यहाँ पर कोई डाउट नहीं था that Tuchel was very intelligent in this game, उसने anticipate किया था कि Conte would try to nullify his formation, इस वजह से बहुत बहुत interesting तरीके से खेल रही थी Chelsea इस game में। They started with a 3-4-3, तो भाई जैसे कि Tuchel ने खुद मैच के बाद आकर बोला कि we were 5 when defending, rather he said 3 because he was talking about the 3 center backs, but they were actually defending as 5 at the back and they were attacking as 4 when going forward. तो भाई ये कैसे हो रहा था, ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, एक दो टेक्स्ट भी आया इंस्टा पे, तो बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करता है, I won't go into much depth क्योंकि भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा एंड वीडियो बोरिंग हो जाएगी, सो आई डोंट वॉन्ट दैट। बट सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो क्या हुआ था इज द 3 एट द बैक जो था उसमें से रीस जेम्स राइट बैक की पोजिशन पे जा रहा था, क्यों? बिकॉज टॉटनहम के फ्रंट थ्री कुलिसेवस्की, सॉन और केन मैन टू मैन मार्क कर रहे थे सेंटर बैक्स को चेल्सी के, एंड इस वजह से व्हेन रीस जेम्स वाज गोइंग आउट रूबन लॉफ्टस चीक मिडफील्ड में आ रहा था, जहां पर एक मिडफील्ड ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी एंड व्हेन दे वर अटैकिंग दे वर क्रिएटिंग अ 4-2-2-2 बिकॉज माउंट वॉज ऑल्सो ड्रॉपिंग इन एंड आगे सिर्फ दो बंदे आपके बचते एंड में रहीम स्टर्लिंग एंड हावर्ड्स, एंड इस तरीके से एक 4-2-2-2 क्रिएट किया जा रहा था जिससे कि चेल्सी कैन कंफ्यूज, यू नो वो लाइंस के बीच में स्पेस ढूंढकर दे कैन प्ले द बॉल। बट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम टुकेल एंड इट एक्चुअली वर्क टू अ वे वेर दे वर प्लेइंग गुड, बट टॉटनहम की प्रेसिंग की वजह से इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक चेल्सी डिड डिजर्व टू विन मोर देन टॉटनहम बिकॉज टॉटनहम वर नॉट द बेटर साइड, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक जो फर्स्ट गोल था इट शुड हैव स्टूड, बट देन देर आर अगेन मेनी आर्ग्यूमेंट्स कि भाई even after the foul Jorginho won the ball, he had the ball, he controlled the ball and he lost it, that's why Tottenham were able to score. So we can take that as a very good excuse, but again I'm not so sure about that one because main mera jo argument tha was that Richarlison was in the line of sight for Mendy and wo ball ko block kar raha tha for Mendy, so that is the reason why I think it shouldn't have stood. But with that said, agar ek referee ne us tarike ka decision diya to there may have been some reason behind it, but this is my opinion. एंड वहीं अगर हम बात करें चेल्सी के गोल्स की, तो भाई ब्रिलियंट गोल, फर्स्ट गोल फ्रॉम देयर न्यू साइनिंग कुलेबाली, तो भाई इनक्रेडिबल गोल, बहुत प्यारा गोल था, कुकरेया का कॉर्नर लिया एंड ब्यूटीफुल गोल। एंड इवन द सेकेंड गोल फॉर चेल्सी वॉज एक्चुअली वेरी गुड, रहीम स्टर्लिंग ने सेट किया वहां पर बॉल फॉर देयर राइट बैक रीस जेम्स, तो इट वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड गेम इन माई अंडरस्टैंडिंग। पर
सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से जो की चेल्सी ने वो लास्ट मिनट पे आप हैरी केन जैसे बंदे को बॉक्स में अकेला नहीं छोड़ सकते. एंड भाई यू सॉ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. मारा मारी भाई, मुझे तो लगा पक्का देर इज गोइंग टू हैंड कॉम्बैट, बट नहीं हुआ. थैंकफुली नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पर. बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम बिटवीन द टू साइड्स, एंड डेफिनेटली वन जो बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा एज वन ऑफ द क्लासिक नॉर्थ लंडन डर्बी. तो भाई बहुत प्यारा मैच, बहुत मजा आया इस गेम को देखने में. तो भाई लेट्स गो फ्रॉम वन कमबैक टू अनदर, जहां पर हमारे ऑल टाइम फेवरेट कमबैक किंग्स रियल मैड्रिड ने फिर से फॉर नो अपेरेंट रीजन लालीगा के फर्स्ट गेम में एक कमबैक किया है. नाउ बाय दैट आई डोंट मीन कि कमबैक होना चाहिए था, बाय दैट आई मीन this was supposed to be an easy game for Real Madrid, it was supposed to be an easy day at the job. पर भाई मैड्रिड ने फालतू में अपने लिए गेम को टफ बनाया, 6th मिनट पे गोल कंसीड किया. I wasn't even sure if players were switched on or not, but जो भी हो 6th मिनट पर एक गोल कंसीड किया. एंड काफी सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे इस गेम में. स्टार्टिंग लाइनअप पहले डिस्कस कर लेते, तो भाई ये स्टार्टिंग लाइनअप थी रियल मैड्रिड की. काफी चेंजेस थे हमारी ओरिजिनल 3 मिडफील्ड में से. मॉड्रिच को रेस्ट दिया गया था. एंड अगेन द क्रूज वॉज ओनली वन स्टार्टिंग इन दिस फ्रॉम द इनिशियल 3 जो हमेशा स्टार्ट करता है एंचेलोटी. अगर मैं फॉरवर्ड्स की बात करूं तो भाई फॉरवर्ड्स में भी थोड़े डिफरेंसेस थे. यहां पर आप देख सकते हो किसकी मैं बात कर रहा हूं. एंड इट वॉज मोर और लेस अ गुड गेम. काफी अच्छे तरीके से शुरू किया मैड्रिड ने, बट द 6th मिनट गोल डिड स्टिंग अस अ बिट. फिर भी भाई हमने काफी डोमिनेट किया. 29 शॉट्स एंड पोजेशन में कम्प्लीटली डोमिनेट थी मैड्रिड इस गेम में. तो भाई कोई शक नहीं है दैट रियल मैड्रिड हैड अ वेरी गुड गेम, बट एक अच्छा गेम ये नहीं डिसाइड करता कि कौन जीतेगा. एंड इसी वजह से फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द गेम इट लुक लाइक मैड्रिड माइट एंड अप लूजिंग लाइक वन ऑफ द गेम्स जो हमने लास्ट ईयर किया था वापस से. यू नो वी प्लेड गुड बट वी कुडंट फाइंड द एंड रिजल्ट एंड एंड में वी वेंट ऑन एंड लॉस्ट द गेम. बट थैंकफुली इस गेम में ये नहीं हुआ. हाफ टाइम पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मॉड्रिच, गेम चेंज होने लगा. हजार्ड वाज बॉट इन द 51st मिनट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड उसके बाद गेम काफी हद तक चेंज हुआ. लुकास वास्क्वेज एंडेड अप स्कोरिंग अ गोल. अच्छा गोल था, इट वाज अ गुड गोल, बट आई वाज मोर इम्प्रेस्ड बाय दैट फ्री किक. क्योंकि भाई एल्बा वाज जस्ट बॉट इन, इट वाज हिज फर्स्ट टच ऑफ ला लीगा सीजन. एंड भाई विद हिज फर्स्ट टच ऑफ दिस सीजन एल्बा एंडेड अप स्कोरिंग द विनिंग गोल फॉर रियल मैड्रिड टू गेट दैट 2-1 विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड. तो भाई क्लासिक रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस. आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट. सेम टैक्टिक्स थी जो पहले हमने फॉलो की है, सेम सिस्टम था जो हमने पहले फॉलो किया है. चेंज ऑफ पर्सनल था. Tchouameni वाज गिवन अ स्टार्टिंग रोल एंड एंटनी रूडिगर वाज गिवन अ स्टार्टिंग रोल इन दिस गेम. सो सिस्टम सेम था, प्लेयर्स को रोल्स दिए गए थे. कुछ अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर. काफी इंटरेस्टिंग था सिस्टम. आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि फाइनली कार्लो एंचेलोटी इज ट्राइंग टू रोटेट द टीम. हाँ इट वॉज अ बिग गैम्बल एंड इट डिडंट पे ऑफ मच जब तक कि यंग प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स नहीं आए. बट विद दीज प्लेयर्स, विद दीज यंग प्लेयर्स गेटिंग मोर एंड मोर टाइम एंड गेटिंग मोर एंड मोर यूज टू टीम, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है. फॉर रियल मैड्रिड इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बेटर फॉर द क्लब एंड फॉर दीज प्लेयर्स टू बी वेरी गुड. एंड अगेन एंचेलोटी ने वापस बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गाइस हजार्ड विल गेट मोर चांस, आई विल रोटेट द स्क्वाड मोर एंड अदर प्लेयर्स विल गेट मोर चांस टू प्ले. एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी बाय दैट बिकॉज आई वुड लाइक ऑल द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम टू गेट चांस टू प्ले. हम सबको पार्टिसिपेट करना देखना चाहते हैं. वी वॉन्ट चबायोस टू प्ले बिकॉज ही डज प्ले वेरी वेल व्हेन ही कम्स ऑन. सो वी वॉन्ट हिम मोर फ्रॉम हिम. क्योंकि अब मॉड्रिच का कुछ ही सीजन बचा है, क्रूज का आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी सीजन इज लेफ्ट. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड गेम. आई थिंक मैड्रिड डिड प्ले वेल. हाँ हमें दिख रहा था कि बेंजेमा अगर ना स्कोर कर पाए तो मैड्रिड कितने बड़े एक सिचुएशन में फंस सकती है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर कॉन्स्टेंट गोल स्कोरर जो हमको प्रोवाइड कर सके कंटिन्यूस गोल्स. विनी वॉज अ लिटिल पुअर इन दिस वन. आई थिंक ही कुड हैव प्लेड बेटर. बट विद दैट सेड, फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन था ऑब्वियसली. फर्स्ट ललीगा गेम ऑफ द सीजन था, नॉट द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन टू बी फेयर. सुपर कप हुआ था. पर अगेन इट वुड टेक अ लिटिल बिट फॉर रियल मैड्रिड टू गेट टू द स्पीड ऑफ हाउ वी प्ले नॉर्मली. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीजन अगेन एंड अगेन. विद दैट सेड, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट दिस गेम. एंड या If you are new to the channel, भाई like this video, subscribe करो. New नहीं हो, अगर पुरानी भी हो तो भाई like कर दो.
I'll see you in the next one. Until then, this is FKR signing out. Bye bye. And अपने ओपिनियंस बता देना कमेंट में. See ya.